मेरा नाम रघुवीर प्रधान है, मैं एकता परिषद में काम करता हूँ और रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट का डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हूँ और साथ लोग एक जन संगठन चलाते हैं, ग्रामीण जन सहभागी संगठन। तो लोगों का पार्टिसिपेट जहाँ रहता है, लोगों का इम्पैक्ट जहाँ पड़ता है, उसकी पर हम ध्यान का काम करते हैं, उनके लाइवलीहुड पर ज़्यादा काम करते हैं। तो उनका जो बातें हैं वो ठीक ढंग से ऊपर तक पहुँचे, ये हम माध्यम हैं। हम ये बोलते हैं कि आप लड़ो, हम आपके साथ हैं, लेकिन आप अपने बातों को, जो बात नहीं बोल सकते उस बात को हम ऊपर तक पहुँचाएंगे। और मीडियम का काम करते हैं। और दूसरा चीज़, सारे सूचना का अधिकार के तहत यानी एथेंटिक रिकॉर्ड पूरा फाइल पकड़ा है, उसके आधार पर काम करते हैं। और पिछले दिनों कम से कम 3 बार मैंने आपका CSE में ट्रेनिंग कर चुके हैं, आपका EIA पे, माइनिंग पे, SIA पे 3 ट्रेनिंग अटेंड किया हूँ। और लगभग छत्तीसगढ़ और उड़ीसा का भी कुछ कवरेज करता हूँ। तो यहाँ 3 बार आ चुका हूँ, यहाँ कम से कम 60 से 70 एनालिसिस के लिए भेज चुका हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि जो सुगंध जी ने जो गई थी वहाँ, जो एनवायरमेंट जो RO थे वहाँ, ये बोले कि यहाँ प्रदूषण मापक यंत्र है। जो हम RTA में डाला तब बोला कि वहाँ नहीं, हम ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है, नहीं गया, इसीलिए परमिशन वहाँ जाना कर मिल रहा है। जो कैपेसिटी नहीं है उससे भी ज़्यादा वहाँ परमिशन दिया जा रहा है। तीसरी चीज़, किसी को ना सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ना स्टेट गवर्नमेंट के पास नदियों में कितना पानी है वो किसी के पास रिकॉर्ड नहीं है, और उससे कहीं ज़्यादा परमिशन पानी देने का मिल गया, इसलिए ग्राउंड वाटर को विशेष कर रहे हैं। और सारे चीज़ वहाँ सरकारें जो कॉरपोरेट सेक्टर चला रहे हैं, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट को चाहे स्टेट गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर थोपता है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर थोपता है। और हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है, मैं क्या क्या हूँ वहाँ, उसके साथ लड़ने वाले जो और 18 ऑर्गेनाइजेशन, उनका एक यूनिट और बनाया हूँ ताकि एक साथ आएंगे तब लड़ पाएंगे, और उसका भी कोऑर्डिनेशन मैं करता हूँ, जो उसको जिला बचाओ संघर्ष मोर्चा रायगढ़ के नाम से, उसका भी कोऑर्डिनेशन मैं करता हूँ। उसमें कामरेड वाले हैं, सब वाले हैं, तो सबका जो वास्तव में लड़ने वाले हैं उनको, ये जो साथी हैं वो साथ में हैं। और ये अभी छत्तीसगढ़ का जो पैनल है वो भी मेरे सुगंध जी ने बोले कि आप सबको ये बोलेंगे, तो मैं बोला बड़ा तो नहीं कर पाऊँगा, फिर मैसेज कर पाऊँगा, इतना बोला था, ऐसा है। और पिछला बार में जो रिपोर्टिंग बन के अभी जो सैंपल भेजा हूँ सुजीत को, मैं ही भेजा हूँ NTPC बालको दोनों को, उसका रिपोर्ट वोट लेना है सुजीत जी से जाना है, क्योंकि फादर निकोलस बारला वाला सबको मैं ही बोला, ऐसा है। और कुछ बोलना है बताइए आप। आपका जो स्पॉन्ज आयरन प्लांट्स और पावर प्लांट्स हैं, इनके बारे में थोड़ा सा बताइए, मतलब क्या दहशत फैलाया है इन कंपनियों ने? हाँ वही। और मतलब आप लोग कैसे प्रभावित? हाँ, ये ऐसा है कि पब्लिक हियरिंग ये लोग चुनाव टाइप का करते हैं, चुनाव पहले से जैसे व्यवस्था होता है ना वैसे व्यवस्थित करते हैं, और दिन उनके लिए खाना पीना यूँ त्यों सब व्यवस्था करते हैं, उनको देखने के लिए पब्लिक हियरिंग। चूँकि हम ये बोलते हैं, मैं भी बोला था कि अगर समर्थन और मेरा समर्थन नहीं है, इस टाइप का अगर बात चलता है तो आप पोलिंग बूथ खोलिए और ये सब नाटक बंद कर दिए, ये बोल दिया था। और अगर हमारा पॉइंट टू पॉइंट आएगा तो उसको फिर उसको बरगलाते हैं, उसको यानी हम डिबेट करते हैं। इस मामले में लोगों को जब खड़ा किया तो लोगों के ऊपर भी लाठीचार्ज हुआ था, हम लोग जिन लोगों को ठहर के खड़े किए थे पिछले 2010 को जिंदल ने लाठीचार्ज भी करवाया था, वो भी इम्पैक्ट लगे, वो हमारे बगल में बैठे वो भी जेल में थे अभी, ये सारा चीज़ हो रहा है। तो हमारा क्या बात चीज़ है कि जैसे एक्चुअली में ये जो EIA है, EIA ना कोई SIA होना चाहिए, सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट होना चाहिए। EIA क्या है, इनकॉर्पोरेशन क्या है, तो लोग जानते नहीं ठीक से, उनको समझाना पड़ता है। फिर ये EIA जो भेजते हैं वहाँ को लोकल भाषा में नहीं भेजते, हम बोलते हैं जाके ऐसे थे, तो हम उनके लिए कांटा है समझे, तो हमको निकलना का वो कन्वेंस भी करते हैं, जैसे जिंदल वाला पैसा देने के लिए कन्वेंस करता है वो सब, तो हम किसी में कन्वेंस होते नहीं हैं, हमारा जो रूल है वो रूल है, और वो ये नहीं, वो जान जाए चाहे जहाँ जाए बोले, तो उस स्थिति में तो ये है आज असल बात ये है। एक चीज़ बताइए, वहाँ पे अभी कितने स्पॉन्ज आयरन प्लांट्स हैं और कितने पावर प्लांट्स और कितने आने वाले हैं? असली में वहाँ पर मैं पूरा रिकॉर्ड पकड़ा हूँ, बता रहा हूँ बेटर होगा। जनवरी 2009 से बाद जितना पब्लिक हियरिंग उसका लिस्ट है पूरा, अभी वर्तमान तक जितना हुआ है, मतलब ये तो दिन तक ये लिस्ट है उनका, ये CSR वाले फंड जमा के लिए, मतलब हमारे प्रेशर में तब हुआ है ये, जब तो कागज में होता है काम, इस पार्ट में नहीं होता है एकदम। ये पानी का लिस्ट है पूरा, ये पूरे छत्तीसगढ़ का कितना पानी किसको दिया गया। हाँ, कितना पानी किसको दिया गया, किस नदी से दिया गया, ये पूरा लिस्ट है। और हाँ,
और ये मॉनिटरी स्टेशन जो नहीं है जो आरटीएम में हम लोग निकल रही है काम कर तो गलत बोले थे ना ये और ये पूरा इंडस्ट्रीज का लिस्ट है वहाँ पे तो तकरीबन आप कैमरे में बता दीजिए जी कि कितना इसका प्रभाव कितना है और कितने मतलब मेगावाट्स आ रहे हैं कितना टन्स पर एनम आ रहे हैं हाँ बता हूँ असली में क्या है वहाँ कि 51 तो एग्जिस्टिंग है जो चल रहा है बड़े पावर प्लांट मतलब इस पंजाब में पावर प्लांट मिला के और 246 और आने वाले हैं 246 प्लांट एम ओ यू हो चुके हैं 51 चल रहे हैं 246 और 246 थर्मल पावर प्लांट हाँ थर्मल पावर प्लांट प्लस इस्पन जा रहे हैं सब मिला के और एशिया का सबसे बड़ा जो ये है आपका पावर प्लांट NTPC वहाँ आ चुका है वहाँ कोल ब्लॉक का भी पब्लिक हियरिंग होंगे ये पावर प्लांट का पहला चरण का हो गया है 1600 मेगावाट का और कुछ मेगावाट का बचा है अच्छा जो EIA प्रोसेस है इनमें तो क्या क्या इनमें क्या क्या रूल्स जैसे फ्लाउट होते हैं बात ये है कि EIA जो कंसल्टेंट है तो कंपनी पैसा दे के बनवाती है तो अपने ढंग से बनवाती है और जो ये नोटिफिकेशन में उसका भी फॉलो नहीं होता है वहाँ कुछ नहीं होता केवल फॉर्मेलिटी है और कुछ नहीं है और सबसे बड़ी बात है कि पब्लिक हियरिंग अगर है तो जो कैंपस के अंदर वहाँ कंपनी के आदमी बैठे रहते हैं वहाँ पैनल में केवल RO बैठना चाहिए और कलेक्टर को बैठना चाहिए और उसकी जो प्रोसीजिंग है बाकी कंपनी लोग सब उनके अंदर बैठे हैं कई बार भी रोकती है और कम से कम 300-400 पुलिस रहती है उसको डंडे पे होता है 44 लगा रहता है सबसे बड़ा और सबसे असल बात है जैसे लोहड़ी गुंडा में बंदूक के नोक पे करवाया गया था वहाँ ये सारे काम करते हैं और दूसरा चीज़ बता रहा हूँ आपको ये सब SDM और कल्टर के चैम्बर में निभाते थे हम लोग 18 दिसंबर 2004 को हम कैंपस से बाहर निकाले इसको मैदान में ला पब्लिक के पास ला मतलब रायगढ़ में पहला प्रयोग हुआ उसके बाद 10,000 लोगों ने विरोध किया था लिखित में दिया था उसके बाद परमिशन उसको मिल गया तो ये सबसे बड़ी बात है कि ये छोड़ते कुत्तों को खाना दो और उसको खाना मत दो ये आइडिया है कुत्तों के सामने खाना रोटी फेंक दो लेकिन खाना मत दो तो वो जिम्मेदारी हमारे तो अटैक तो हमारे ऊपर होगा हम उसको सुरक्षा के अंदर अटैक हमारे ऊपर होगा तो सारा चीज़ है ये रही बात छत्तीसगढ़ जो अलग करने का कारण यही है कि वहाँ 90 विधायक को पकड़ में रखा जा सकता है 320 विधायक को तो कन्वेंस करना मुश्किल है तो पक्ष विपक्ष वहाँ बराबर है कोई भी कंपनी अपना केवल जो विरोध हो रहा है वहाँ केवल रेट के लिए चाहे अपना रेट बढ़ाने के लिए चाहे वो ये अपना जमीन का रेट बढ़ाने के लिए चाहे मेरा दुकान चले इस टाइप का बेसिकली इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट पे कहीं पे अटक नहीं है केवल ये कम से कम CSE का धन्यवाद हम देते हैं कि यही रूप बनाए तो हम लोग जाकर फाइल करते हैं फिर ट्रैकिंग में देते हैं और कुछ कोर्ट में भी लूँ देते हैं यानी सारे तरफ से हम कर रहे हैं अगर हमको और कोई ऐसा उपाय बता दे कि कोई जिसमें और भी कोई उपाय और बचाए तो उस उपाय को विद करने लगे हैं ये माओवादी माओस को हटाने के नाम पे जो इंडस्ट्रीज को प्रमोट किया गया हाँ उसके बाद में वो ये रहा है कि एक्चुअली में जो ओरिजिनल माओविस्ट हैं वो तो लोगों के अधिकारों के लिए लड़ते थे लेकिन अब क्या है उसमें पैसे वाले माओविस्ट आ गए हैं जो पॉलिटिकल लोगों से कनेक्टेड हैं और उसको वहाँ ये बरगलने का सब तरीका है जो माओविस्ट बोल रहे हैं ये लोगों को जैसे उड़ीसा हुआ झारखंड हुआ जो बॉर्डर में यहाँ से थोड़ा वहाँ इनकाउंटर करो तो लोगों अपना डर में जमीन भागने के डर में अगर पब्लिक का सबसे तकलीफ बात यह है कि अगर माओविस्ट लोगों की तरफ जाता है तो पुलिस उसको अटैक करता है और अगर ये सरकार की तरफ तो माओविस्ट उसको पार कर देते हैं सबसे मुश्किल बात वही है तो पब्लिक जाए तो जाए कहाँ हम लोग इतना ही बोलते हैं जैसे अभी ये हुआ है कि आदिवासी लोगों के नाम से जमीन आदिवासी नाम से खरीदा है जिसके नाम VVL कार्ड है और 1.5 करोड़ का जमीन उससे बनता है हम इनकम टैक्स को ऑफिस को भी दिए हैं कि अगर VVL कार्ड तो इनकम टैक्स फिर इसको दिए तो उसके नाम से करते हैं और फिर भूअर्जन उसके नाम में कर देते हैं ताकि उसको पैसा न देना पड़े इस टाइप का बहुत सारा लमखम चल रहा है और वहाँ सभी इन्वॉल्व हैं और हम सब तरह से कन्विंस करते हैं ना साम दम वे सब नीति अपनाते लेकिन हम कन्विंस नहीं तो हम जो लाइन पकड़े हैं वो लाइन पकड़ते हैं अब तो ये आधार है और कवर ये है कि हम धीरे धीरे बोले छत्तीसगढ़ में जो दोस्त लोग हैं सबको मैं बोला हूँ मेरे कलम से आए हैं इसलिए हम एक बड़ा मीटिंग और EIA का जो ट्रेनिंग है हम छत्तीसगढ़ में करने वाले हैं यहाँ के तरफ से हमारे संगठन में करेंगे उसको और यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव बुलाएंगे ताकि वो और एक्सटेंशन हो और EIA के साथ SIA जो है सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट उसमें ही कुछ होगा मगर SIA में कुछ नहीं और दूसरा चीज़ सरकार और कानून और जो आपको जो मीडिया शीडिया जो भी है जिस जितने भी हैं इनसे अगर ज़्यादा आशा करेंगे तो ठीक है अगर आशा करना है तो लोकल पब्लिक अगर उनके अधिकारियों को बन जाती है तो
बैनर होगा तब चाहिए। जैसे उदाहरण बताता हूँ, बॉम्बे में जाएंगे तो लाल बत्ती जल गया तो आगे आदमी जाएगा नहीं, भले पेशेंट मर जाएगा। वहीं आप रायगढ़ में जाइए, छत्तीसगढ़ में जाइए कि भाई वो भट्ट कर भाग आँख दिखा जाएगा, वहाँ कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, वहाँ कोई रूल रेगुलेशन पैसा वसूल है का कुछ नहीं। लोग हमसे टच करते हैं, कंपनी वाले टच करते हैं, हम बोलते हैं सीधा जो जो जैसे टच करना हमको, मतलब वो सार्वजनिक स्तर पर करें, हम व्यक्तिगत रूप से टच नहीं करते, इसी कारण सब परेशान नहीं कर रहे। छत्तीसगढ़ सरकार ने जो नौ राज्य नौ जिला बनाए हैं, माओवादी हैं उन्हीं को ज़्यादा प्रेफरेंस, जहाँ के एक्चुअल में जिला बनना चाहिए उसको नहीं मिलता, इनको सेंट्रल से पैकेज मिलता है माओवादी के लिए, पुलिस के लिए, बीमा सबके लिए। और हम लोग एफ आर ए के लिए 25,000 आदमी 2007 में आए थे, 25,000 आदमी मिले थे, जनक ग्वालियर से दिल्ली, हम हैदराबाद से एफ आर ए हुआ। अब 1,00,000 आदमी हम 2012 में आने वाले हैं ग्वालियर से दिल्ली, वो सब कैंपेन प्रचार प्रसार चल रहा है, उसके साथ ही इन्वॉल्व हुआ, जमीनी लेवल में है और दोनों तरफ से होना चाहिए, सरकार तरफ से भी ये जमीनी लेवल में होगा तब वो कुछ हो पाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि मैं बोला अभी ये पब्लिक हियरिंग में भी बोला था कि अगर पब्लिक हियरिंग में जो प्रभावित व्यक्ति है और प्रशासन है और जो पार्टी है जो प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट है, वो तीनों का मीटिंग आप पब्लिक हियरिंग पहले क्यों करते हैं? अब बाद में ये नाटक और दुनियादारी बबर बल नाटक करने का वसूलने का तरीका और पूरा प्रबंधन करने का तरीका ये करते हैं, ये भी बोला था। तो उसके पहले आप तो उसको अभी अमित कटरा कलेक्टर ने कुछ 2-3 दिन पहले जाके मिलने का शुरुआत किया है ताकि हमारा बात उधर पड़ा ही समझ में आया, तो उसको और समझाना चाहिए। तो आपको हम इतने बोलते हैं पब्लिक हियरिंग कि इस एरिया में ये होने वाला है, और सबसे मूल बात यह है कि दो चीज़ें वहाँ मान्य होती हैं, इन्वायरमेंट पे और लोकल जो व्यक्ति बोले उसके जो ऑथेंटिक तार्किक होनी चाहिए। तो उसको केवल वो जो आपका जो कलेक्टर है उसको चुप रहने का है, केवल प्रोसीडिंग करने का, लेकिन वो पूछता है आप समर्थन में आए विरोध में, तो पूछता है जबरदस्ती, यानी उसको बरगलाता है। अब अपना पुलिस लगा रहता है, जब जैसे उल्लंघन करेगा तो हम जाएंगे तो हमारे साथ साथ 10 पुलिस रहेंगे हैं, ताकि ये मानसिक रूप से प्रेशर हो, ये टाइप का जो हम किसी प्रकार प्रेशर रहता होता नहीं, हम इस प्रकार करते हैं। ठीक है, धन्यवाद आपसे फिर से। जरूर जरूर।